तो आज हम 12th का बायोलॉजी का 14वां क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर में आपको अलग अलग टाइप से। कभी कह देगा बहुभोर्ता पॉली एम्ब्रियोनी पर टिप्पणी लिखिए, कभी कह देता है किसे कहते हैं, बहुभोर्ता से आप क्या समझते हैं या बहुभोर्ता किसे कहते हैं, तो इसको समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक बीजांड, आपको ध्यान रखना है एक बीजांड, या हम कह सकते हैं अथवा एक बीज, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का उत्पन्न होना होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है। तो एक बीज या एक बीजांड से, बीजांड आपने संरचना देखी है, ये आपका इसमें इस प्रकार से बीजांड लगे होते हैं, क्योंकि बीजांड निषेचन के बाद किसमें बदल जाता है, बीज में। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली संरचना, जिसे हम बीजांड बोलते हैं, और इसी यही किसमें बदल जाता है, निषेचन के बाद। निषेचन के बाद आपको ध्यान रखना है बीज में बदल जाता है, बदल जाता है, जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीजांड, या तो एक बीजांड, एक या एक बीज में से एक से अधिक, आपको एक से अधिक भ्रूण का विकास हो रहा है, एम्ब्रियो का। भ्रूण क्या होती है, तो हमने बताया था भ्रूण कोष का विकास हो जाता है जब जो शुरुआती अवस्था होती है, तो भ्रूण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज आपको ध्यान रखना है कि किसने की, तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरों के बीजों में की। बीजों में की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि खोज किसने की, एंटोनी वॉन पूरा नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीजों में की थी। जो आपको ध्यान रखना है बहुभ्रूणता है, जो बहुभ्रूणता में एक, आपको एक बीज को ध्यान में रखना है। अगर ये वाली जो क्रिया है बहुभ्रूणता की, तो आपको ध्यान रखना है कौन से पौधों में मिलती है, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना होती है, सामान्य घटना होती है, परंतु आवृत बीजी, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं,
पौधों में कम पाई जाती है। कम पाई जाती है। तो आपको आवृत बीजी पौधों के अंदर कम देखने के लिए मिलती है, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी ये घटना। फिर आपको ध्यान रखना है इसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। आप कहोगे यद्यपि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, जो निर्माण होता है परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देती है, तो बनेंगी बहुत सारी भ्रूण का निर्माण होगा, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण आपकी एक्टिव होगी। सारी भ्रूण नहीं बल्कि एक ही भ्रूण एक्टिव होगी, सक्रिय होगी, और वो ही अगली पीढ़ी का मतलब है नए पौधे को जन्म देगी, मतलब अगली जो पीढ़ी होगी उसको जन्म देगी। ये निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की बहुभ्रूणता होती है। नंबर एक सरल बहुभ्रूणता, नंबर दो मिश्रित बहुभ्रूणता, नंबर तीन विदलन जिसे क्लेवेज कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता, नंबर चार अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो ये चार प्रकार की टोटली होती हैं। तो जो निम्न है सरल बहुभ्रूणता में आपको ध्यान रखना है कि सरल बहुभ्रूणता में जो बीजांड होगा, बीजांड, तो बीजांड में आपको ध्यान रखना है जो सरल बहुभ्रूणता है उसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न, भ्रूण पहले होंगे, भ्रूण कोष आपको ध्यान रखना है, भ्रूण कोष, बीजांड में भ्रूण कोष उत्पन्न होंगे और भ्रूण कोष निषेचन के बाद आपको ध्यान रखना है निषेचन हो गया और निषेचन के बाद इसे ऊ स्पोर में बदल जाते हैं, ऊ स्पोर का निर्माण करते हैं, ऊ स्पोर बना लेते हैं और प्रत्येक ऊ स्पोर आपको ध्यान रखना है क्या बना लेगा, भ्रूण का निर्माण कर लेगा, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो ये कहलाती है सरल बहुभ्रूणता। जैसे ब्रेसिका, सिट्रस, इसमें देखने के लिए आपको मिलती है। मिश्रित बहुभ्रूणता में आपको ध्यान रखना है कि मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो पराग नली है, तो पराग नली एक से अधिक बीजांड में जाती है, आपको ध्यान रखना है पराग नलिकाएं।
एक से अधिक कहाँ जाएंगी? बीजांड, बीजांड में जाएंगी। अब आपको ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त, ये तो होता है, इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, अतिरिक्त अतिरिक्त जैसे सहायक कोशिकाएं है और प्रतिमुख कोशिकाएं है, तो उनसे युग्मक क्या होता है? गैमेट है, ये गैमेट ये जुड़ जाता है सहायक कोशिका कोशा से, या आप कहोगे सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से, प्रतिमुख कोशा, इन दोनों से जुड़ जाता है, तब किसका? भ्रूण का निर्माण होता है, तब उसे कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगी पोइना अल्पीना में, फिर आपको विदलन क्लेवेज, तो क्लेवेज में आपको ध्यान रखना है यहां पर जो आपका जायगोट होता है जिसे कहते हैं युग्मनज, युग्मनज, तो जायगोट आपका क्या है? दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, दो या दो से अधिक भागों में, अधिक भागों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग से किसका निर्माण हो जाता है? तो आप कहोगे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बन जाती है, तब इसको क्या कहते हैं? विदलन क्लेवेज कहते हैं। और ऐसा किसमें मिलेगा? तो आपको पाइनस के अंदर ऐसा पाया जाता है। फिर आता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है, तो आपको यहां पर बीजांड के अन्य भाग, जो अन्य भाग होते हैं जैसे सहायक कोशिका, सहायक कोशिका या कोशा, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, या आप कहोगे बीजांड द्वार, या आप कहोगे अध्यावरण, इनसे क्या होगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, इनसे भ्रूण विकसित हो जाएगी, तब इसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये आपको किसमें मिलेगी? जैसे अंगूर है आपका, अंगूर है, केला है, इन सब में आपको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है इनमें जो होते हैं जो फल, इनमें बीज का निर्माण कम होता है। तो ये चार प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता एक बार देख ले, एक बीजांड या एक बीज से अधिक बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक ने की थी। और ये किसमें मिलती है? आपको ध्यान रखना है अनावृत बीजी पौधों में ज्यादा पाई जाती है, और आवृत बीजी पौधों में ये कम देखने के लिए मिलती है। इसमें भ्रूण का बहुत सारी भ्रूण बनती है, लेकिन आपको ध्यान देना है एक ही भ्रूण सक्रिय होकर नए पौधे को जन्म देती है। और ये चार प्रकार की होती हैं, सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो ये था हमारा बहुभ्रूणता का क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्लीट होता है।